हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि डीसीए और पीजीडीसीए में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्या डीसीए पीजीडीसीए को टक्कर दे सकता है या नहीं। अगर आप मिस्टेक से इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं, इसका मतलब आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं। आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं, मगर फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि डीसीए और पीजीडीसीए में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि आप अन्य लोगों को बता सके कि हाँ, आपके लिए ये कंप्यूटर कोर्स बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डीसीए का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि इसके नाम से ही इसके काम का पता चलता है। जितने भी कंप्यूटर कोर्स हैं, अगर उसका फुल फॉर्म को आप पढ़ेंगे तो उसके नाम से ही उसके काम का पता चल जाता है। तो DCA का नाम, इसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ये एक डिप्लोमा का कोर्स होता है जो कि हम लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन पर कार्य करना होता है। ठीक है, अगर वहीं पर बात किया जाए PGDCA के बारे में, तो PGDCA का जो पूरा नेम होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इनमें क्या अंतर होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब इस कोर्स के अंदर भी हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन पर कार्य करना होता है और इस कोर्स के अंदर भी हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन पर कार्य करना होता है। इस कोर्स को करने के बाद हमें इंस्टीट्यूट या कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलता है डिप्लोमा का, और इस कोर्स को करने के बाद भी हमें सर्टिफिकेट मिलता है। मगर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो स्टूडेंट 12th पास किए हैं या फिर 10th पास किए हैं और उनको डिप्लोमा का डिग्री चाहिए या डिप्लोमा कोर्स वो करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो PGDCA नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। मगर जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन फाइनल नहीं किया है, वो 12th पास किए हैं और वो चाहते हैं डिप्लोमा का कोर्स करना, तो ऐसे में वो DCA कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो DCA को 10th पर करा देते हैं, मगर ज़्यादातर 12th के बाद ही होता है। ओके, तो यही इसमें अंतर है, और अंतर होता है सिलेबस में भी अंतर होता है, तो वो मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद आता है DCA को आप जो है से 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप DCA को कॉलेज से करते हैं तो आपको 12th मंथ लग जाते हैं, मगर इस जो एक्चुअल जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ ही होता है सारे इंस्टीट्यूट में। और अगर वहीं पर बात करें हम लोग PGDCA के बारे में, तो PGDCA एक फिक्स्ड है, आपको इस कोर्स को करने में 1 ईयर लग ही जाएंगे। ठीक है, ये फिक्स होता है। आप किसी भी कॉलेज से अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको 1 साल लग जाएंगे, और अगर इसको पार्ट टाइम में करते हैं तो आपको 2 ईयर लग जाएंगे। मगर 1 साल का ही होता है, मगर आपके पास समय नहीं है तो आप नज़दीकी किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट टाइम में इसको 2 साल में कम्प्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर वहाँ पर बात किया जाए कि DCA को हम लोग कब कर सकते हैं, तो DCA को हम लोग 10th या 12th के बाद कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। और अगर यहाँ पर PGDCA के बारे में बात करें तो आप जो है से ग्रेजुएशन बाद ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि DCA का सिलेबस क्या होता है, मतलब DCA में क्या क्या सिखाया जाता है। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि DCA में क्या क्या आता है। DCA में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बेसिक इंटरनेट, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, बेसिक टैली, ठीक है, और HTML वगैरह को एक लैंग्वेज। जो अभी मैंने आपको बताया लगभग आप इसके बारे में जानते होंगे, मगर आप अगर PGDCA का सिलेबस देखेंगे और अगर आप DCA का स्टूडेंट हैं तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, मतलब कुछ कुछ तो आपको पता होगा बट कुछ कुछ आपको बाउंस कर जाएगा कि ये सब होता क्या है, एक्चुअल में इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको पता होगा, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पता होगा, उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट पता होगा, उसके बाद इधर आया कम्युनिकेशन आ गया, सॉफ्ट स्किल आ गया, प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक है, स्क्रिप्टिंग आ गया, इंटरनेट आ गया, जावा लैंग्वेज आ गया, और ठीक है, ICT टूल आ गया, ठीक है, इतने सारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो
कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होंगे जो आपको बाउंस कर रहा होगा, बिकॉज आप डीसीए का स्टूडेंट है या फिर एडीसीए का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे पीजीडीसीए है वो पूरा डिफरेंस हो जाता है, डीसीए और एडीसीए से पूरा डिफरेंस हो जाता है। मतलब कुछ कुछ मिलते हैं बट कई चीज़ें ऐसे हैं जो एकदम बाउंस कर जाएगा, एकदम डिफरेंट चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जावा क्या होता है, इंटरनेट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि डीसीए करने में कितना फीस लगता है, तो डीसीए अगर आप करते हैं तो अगर गांव में इस कोर्स को करते हैं, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गांव में होते हैं और वहां पर लोग इस कोर्स को करते हैं, तो आपको 5000 से लेकर 7000 के बीच में इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं, जैसे मतलब ज़्यादा हाई लेवल का इंस्टीट्यूट ना हो, मतलब मीडियम हो, ज़्यादा हाई मतलब बड़ा सिटी में नहीं हो, तो ऐसे में वहाँ पर आपको 10000 से 12000 के बीच में ये कोर्स हो जाएगा। अगर हाई इंस्टीट्यूट में करते हैं, हाई लेवल कॉलेज में करते हैं जो कि प्रोफेशनल पढ़ाई देती हो, ज़्यादा सुविधा देती हो, है ना, वहाँ पर स्पेशल ट्यूशन देती हो, तो ऐसे में आपको ना आपको यहाँ से 15000 रुपये लग जाएगा और 20000 तक आपको लग सकता है। वहीं पर अगर बात किया जाए पीजीडीसीए की फ़ीस के बारे में, तो पीजीडीसीए जो होता है इसमें देखिए डीसीए में भी दो सेमेस्टर होता है और पीजीडीसीए में भी दो सेमेस्टर होता है। अगर आप डीसीए को गांव में करते हैं तो वहां पर डायरेक्टली कोर्स करा दिया जाएगा, सेमेस्टर वाइज नहीं पढ़ाया जाता है। और अगर आप ये दोनों करते हैं, ठीक है, कहीं एडवांस लेवल इंस्टीट्यूट में या फिर जहां पे मतलब अच्छा खासा व्यवस्था हो, तो वहां पर सेमेस्टर वाइज जो है से पैसा भी लिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। अगर पीजीडीसीए की फीस की बारे में बात करूँ, तो पीजीडीसीए में भी दो सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 10000 रुपये लगेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी पर, अगर आपका यूनिवर्सिटी टॉप लेवल का होगा, ज़्यादा सुविधा देगा, पार्ट टाइम पढ़ाएगा, है ना, अलग से लैब अलग से थ्योरी, तो ऐसे में थोड़ा फीस जो है ना डिफरेंट हो जाता है। सभी जगह फीस समान नहीं होता है, सभी इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से वो सेट करते हैं फीस को, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस होगा वो 10000 होगा या फिर 20000 भी हो सकता है, और सेकेंड सेमेस्टर भी वही होगा। टोटल अगर बात करूँ मैं, तो टोटल जो है से 20000 से 40000, मतलब आपको ये तो कंफर्म है कि 20000 लगेगा पीजीडीसीए का, मगर आपको इससे ज़्यादा भी लग सकता है, 40000-30000 भी लग सकता है, ये कोई निर्धारित फीस नहीं होता है। अगर मैं उसके बाद बात करूँ कि डीसीए करने के बाद जॉब कहाँ कहाँ लगता है, तो भाई डीसीए करने के बाद तो जॉब आपको बहुत जगह लग सकता है, मगर ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं होता है। 2 से 3 ऐसे जगह हैं जो डीसीए के बाद हाई क्वालिटी का जॉब होता है। मगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तो पीजीडीसीए के बाद जितनी भी जॉब होते हैं वो सारा जॉब जो होता है वो हाई क्वालिटी का होता है। और आप जनरल जॉब भी कर सकते हैं, मगर जो पीजीडीसीए करता है वो हाई लेवल का ही जॉब करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीसीए करता है वो क्या क्या जॉब ले सकता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब ले सकता है, मैंने इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया है कि डीसीए करने के बाद कौन कौन से जॉब ले सकते हैं, सारे डॉट को मैंने क्लियर किया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है मैंने सब उसमें बताया है। कंप्यूटर ऑपरेटर, सीएससी सेंटर खोल सकते हैं, साइबर कैफे खोल सकते हैं, डिजिटल फोटोग्राफर बन सकते हैं, इंटरनेट मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कुछ कुछ ऐसे जॉब हैं जो हाई क्वालिटी के, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग बढ़िया अच्छा खासा जॉब है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी अच्छा खासा जॉब है, उसके बाद जो यहाँ से साइबर कैफे हो गया, है ना, इंटरनेट मैनेजर हो गया, ये सब अच्छे खासा जॉब है, ठीक है। अगर वही मैं बात करूँ कि पीजीडीसीए के बाद कौन कौन से आप जॉब को ले सकते हैं, तो पीजीडीसीए करने के बाद ऐसे ऐसे जॉब हैं जो हाई क्वालिटी के जॉब है, जिसमें आप खुद से अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा देंगे, थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, पीजीडीसीए को करने में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप इसमें अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं भी लगता है, कहीं पर भी जॉब नहीं लगता है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं लगता है, तो पीजीडीसीए करने के बाद खुद से आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें काम ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आपके पास खुद आएंगे, इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, किसी शॉप का सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, तो ऐसे में आपके पास लोग आएंगे, आपको किसी जगह जाना नहीं पड़ेगा, बस आपको सोशल मीडिया का जो है से हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे अपना अपने बारे में बताना पड़ेगा, यूट्यूब पर बताना पड़ेगा, छोटे बड़े आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए जब आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तो आपके अंदर इतना पावर आ जाता है कि आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास ऑडियंस ज़्यादा होंगे तो आप उनका एप्लीकेशन बना सकते हैं। यही इसमें खासियत है हाई क्वालिटी का जॉब। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामर,
कंप्यूटर टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए डीसीए करने के बाद जो है से आप कंप्यूटर टीचर नहीं बन सकते हैं, आप डीसीए करने के बाद बन सकते हैं मगर उतना नहीं, मगर पीजीडीसीए कर लेंगे तो पीजीडीसीए करने के बाद आप एडवांस कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, आप खुद का एक कंप्यूटर का क्लास भी खोल सकते हैं, या फिर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप कंप्यूटर की क्लास भी ले सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चे आपको कहीं पर नहीं फंसा सकते हैं बिकॉज आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेब डिजाइनर, आप पीजीडीसीए करने के बाद वेब डिजाइनर बन सकते हैं, मीन्स आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को बना सकते हैं, ये खासियत होता है पीजीडीसीए में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए कंप्यूटर असिस्टेंट या ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा असिस्टेंट जो कंप्यूटर का हर काम को सॉल्व कर दे, अगर कंप्यूटर में कुछ खराबी है, कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर क्रैक है, कुछ एप्लीकेशन काम नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह का कुछ नहीं काम कर रहा है, तो जो कंप्यूटर असिस्टेंट होते हैं वो उनको मैनेज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ऐसे में ये एक स्टैंडर्ड जॉब हो गया, तो पीजीडीसीए के बाद इस जॉब को ले सकते हैं, है ना। उसके बाद भी ऐसे कई जॉब हैं छोटे मोटे जो आप पीजीडीसीए के बाद ले सकते हैं, बट जो पीजीडीसीए करता है वो हाई लेवल का ही जॉब करता है बिकॉज उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, हाई लेवल का कोर्स किया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि डीसीए करने के बाद डीसीए का सर्टिफिकेट आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो डीसीए करने के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डीसीए का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, वहाँ पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ऐसे वहाँ पर ट्वेल्थ का भी मांगा जाता है, ग्रेजुएशन का भी मांगा जाता है, मगर वहाँ पर डिप्लोमा भी होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप डिप्लोमा ही का वहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद जॉब लेते हैं तो जॉब में भी आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है और एडमिशन के समय भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पर अगर बात किया जाए कि पीजीडीसीए सर्टिफिकेट का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कर सकते हैं, कोई भी जैसे रेलवे एसएससी का जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर मांगा जाता है। उसके बाद इसको आप जो है से जॉब में यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट एडमिशन, मतलब डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होगा कि एमबीए में एमसीए में डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप पीजीडीसीए कर लेंगे तो। उसके बाद आता है यहाँ से टीचिंग, मतलब आप पढ़ा सकते हैं, मतलब कहीं पर आप पढ़ाने गए कोई इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर आपको मन है कि नहीं मेरे को कंप्यूटर सिखाना है, तो आपसे बोला जाएगा कि भाई आप पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट दिखाओ। देखिए पीजीडीसीए एक स्पेशल होता है कि अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है कहीं इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाना है तो आप पीजीडीसीए कर लीजिए। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन आपको फाइनल हो गया है, आपने अभी तक कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, मतलब किया है जनरली डीसीए वगैरह किया है, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर में नॉलेज है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत पीजीडीसीए ज्वाइन कीजिए और जॉब लीजिए, कंप्यूटर टीचर बनिए, खुद का इंस्टीट्यूट खोलिए और डीसीए और एडीसीए और डीटीपी जैसे कोर्सों को कराइए और कोई भी और अन्य लोगों को भी रखिए और उसमें उनको भी असिस्टेंट बनाइए और अपने बिजनेस और अपने लाइफ को सेटल कीजिए। तो यही था डीसीए और पीजीडीसीए में डिफरेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चले कि हाँ भाई डीसीए और पीजीडीसीए में कौन बेहतर है और कौन इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे तरफ से पीजीडीसीए बेस्ट है जब आप ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएशन फाइनल नहीं है और आप चाहते हैं करना कंप्यूटर कोर्स 10th के बाद 12th के बाद, तो आपके लिए डीसीए बेस्ट है।